गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वो फीलिंग गुड गाइस। सो आज का वीडियो होने वाला है अमेजोन हॉल। आज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी पार्टी वेयर प्लस फेस्टिव वेयर कुर्ती सेट्स। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस। सो एक ही लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी, उसके अंदर आपको सारे आइटम्स मिल जाएंगे। सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए माई हॉल स्टोर। जितने भी आइटम्स है अमेजोन से है। एंड आज का जो हॉल है वो वन ब्रांड हॉल है। आज मैं आपको इंडिया ब्रांड की कुर्ती, सराराज और प्लाजोज दिखाऊंगी। वेडिंग सीरीज एंड फेस्टिव सीरीज की ये पार्ट फिफ्थ है। चार वीडियोस मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ जिसपे शरारा, अनारकलीज, बहुत सारे पार्टी वेयर एंड फेस्टिवल आइटम्स मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपने मिस कर दिया है और आप कुछ ढूंढ रहे हो फेस्टिवल पार्टीज के लिए तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर मिल जाएगा। और ये जो मैंने वेयर करा है ये टीज, ये 50 रुपीज़ की मैंने सरोजनी से ली थी। ये ईयरिंग्स भी 50 रुपीज़ की सरोजनी से है। ये मिंत्रा से है जिसका हॉल मैं बना चुकी हूँ। एंड ये प्लाजो मैंने 200 रुपीज़ की ली थी सरोजनी से। तो टोटल 300 रुपये की मेरी ऑर्डर बन गई है। सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो थोड़ा सा सपोर्ट एंड प्यार दीजिए इस चैनल को। सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी तो। एंड कमेंट में ज़रूर से बताना कि कौन सी कुर्ती अच्छी लगी या कौन सा शरारा अच्छा लगा, कमेंट ज़रूर से करना। नाउ विदाउट फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। माई फर्स्ट आइटम इज वेरी ब्यूटिफुल गोल्डन कलर का कुर्ता गाइज। एंड इसको मैंने पेयर करा है दुपट्टा के साथ और प्लाजो के साथ जो मैंने अलग अलग लिया है। सो ये इंडिया ब्रांड से कुर्ता है जिसपे सामने सिप का वर्क करा हुआ है नेकलाइन पे। एंड बैक पे भी सेम, जितना आगे वर्क है उतना पीछे को है। आपको नेकलाइन साइड में बैक पे की होल नेक डिटेलिंग मिल रही है। जॉर्जेट मटेरियल है, इनर लाइनिंग के साथ है। साइज मेरा इसमें मीडियम है एंड प्राइस का 1100 समथिंग है। तो बहुत ही ब्यूटिफुल गोल्डन कलर का कुर्ता है गाइज, हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत प्यारा है। एंड इसके साथ मैंने ये दुपट्टा पेयर करा है और साथ में प्लाजो पेयर करा है। सो हाईलो कुर्ता है। यहाँ पे आपको फ्रंट पे वर्क मिलेगा एंड पूरी कुर्ती जो है प्लेन है। आप देखो कट बनी हुई है, पीछे बैक पे पूरी इक्वल है। सो ये प्लाजो भी इंडिया ब्रांड से है और बहुत ही बढ़िया प्लाजो। इस पर भी आपको गोल्डन हाफ वर्क मिलेगा, हाफ आपको प्लेन मिलेगी। इस पर भी मेरा साइज मीडियम है, कुर्ती पर भी मीडियम है। दोनों में हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत ही बढ़िया सेट है। ऐसा तो एक प्लाजो आपके पास मस्ट होना ही चाहिए क्योंकि ऐसे प्लाजो बहुत सारे कुर्ताज में आप पेयर कर सकते हो, लाइक जैसे मैं करती हूँ। और इस पर गोल्डन दुपट्टा भी लिया है जो अमेजोन से है एंड ईयरिंग्स भी मैंने गोल्डन डाले। तो दुपट्टे की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। 500 रुपीज़ में मुझे ये दुपट्टा मिली है जो ऑब्वियसली बहुत सारे कुर्ताज में आप वेयर कर सकते हो। तो ऐसे गोल्डन दुपट्टा, गोल्डन प्लाजो तो मैं बोलूँगी कि आप इसे ले ही लो। डिफरेंट डिफरेंट कुर्तीज़ पे आप इसे वेयर कर सकते हो। सो मुझे ये लुक बहुत पसंद आई। अगर आप भी ढूंढते हो कुछ गोल्डन बहुत ही प्यारा सा, लाइक गोल्डन तो बहुत फैशन में है और हमेशा अच्छे भी लगती है, कुछ ढूंढ रहे हो किस तरीके की कुर्ती सेट, तो अगर आपको नहीं मिल रही है तो ये अलग अलग लेके आप पेयर कर सकते हो। कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर से बताना, मुझे ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आई। माई नेक्स्ट आइटम है जिस कुर्ता एंड उसके साथ मैंने स्कर्ट पेयर करा है। सो पिंक कलर का शॉर्ट ट्यूनिक काइंड ऑफ कुर्ता है गाइस। साइज मेरा मीडियम है एंड आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये स्कर्ट के साथ। सो स्कर्ट भी इंडिया ब्रांड से है एंड ये कुर्ता भी इंडिया ब्रांड से है और ये देखने में आपको प्लाजो लगेगी। इनफैक्ट उनके पेज में मैंशन भी है कि ये प्लाजो है, बट एक्चुअल में ये स्कर्ट है। जो लाइनिंग आपको इनर की स्कर्ट की दिख रही है उतनी ही लाइनिंग आपको मिलेगी, प्लस धोती स्टाइल में स्कर्ट है। सो ये जो कुर्ता आ रहा है वो इनर लाइनिंग के साथ है, बहुत कंफर्टेबल है। डुअल शाइन कलर आपको कुर्ते पे मिलेगी और मैं इस लुक को हाईली रेकमेंड करूंगी, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो, प्लाजो स्कर्ट से बोर हो गए हो, तो इस तरीके के लुक आप ट्राई कर सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। और स्कर्ट पे हाफ इनर लाइनिंग भी है, थोड़ा सा चलने पे साइड से आपके पैर नजर आएंगे बट इतना भी अनकंफर्ट नहीं होगा क्योंकि इनर लाइनिंग अच्छी खासी दी हुई है। बहुत लाइट वेट है, गर्मियों के लिए परफेक्ट है। और आपको कैसी लगी लुक आप मुझे ज़रूर से बताना। मुझे तो ये स्कर्ट बहुत पसंद आई और मैं ये इस स्कर्ट पे एक और लुक इंडिया ब्रांड की बना चुकी हूँ। मैंने इसे कुछ टाइम पहले लिया था तो करेंटली अभी अवेलेबल नहीं है गाइज, आप चेक करते रहना अगर होगी तो। और उस वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगी, सो वो भी एक बार ज़रूर आप चेक करना।
माय नेक्स्ट आइटम इज द सिंगल कुर्ता एंड ब्लू ब्लैक की कॉम्बिनेशन की बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता है गाइज। एंड बेस्ट इसकी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, एक तो उसका कलर डुअल कलर है, ब्लैक पे आपको ब्लू कलर मिल रही है, ठीक है, उस पर गोल्डन बॉर्डर आपको लेसेस के नीचे मिल रही है, नेकलाइन पे मिल रही है। बेस्ट पार्ट इस कुर्ता की मुझे ये लगी कि इसकी जो नेकलाइन और जो स्लीव्स की जो फिटिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मतलब आप ऐसी फिटिंग टेलर को बोलते रह जाते हो, मैं खुद बोलते रह जाती हूँ कि ऐसी फिटिंग चाहिए ऐसी चाहिए, बट कभी नहीं मिल पाती है। ये थोड़ी फिल्मी स्टाइल वाली फिटिंग जो होती है ना, बहुत ब्यूटीफुल, मतलब नेकलाइन फिटिंग स्लीव्स की बहुत बढ़िया लग रही है। सो इस वजह से मुझे बहुत पसंद आई एंड कंफर्टेबल भी बहुत है। 100% पॉलिस्टर मटेरियल है, बट बहुत कंफर्टेबल है, इनर लाइनिंग के साथ है। साइज मेरा इस पर मीडियम है, फिटिंग भी बहुत अच्छी आ रही, प्राइस भी बहुत ही अच्छी है, 1000 रुपीज़ की है। सो आप आराम से ईद में या फिर कोई भी वेडिंग पार्टी में आराम से इसे पहन सकते हो। इतना ब्यूटीफुल कुर्ता है, इसको मैंने सेम प्लाजो के साथ सेम दुपट्टे के साथ पेयर करा है। आप चाहो तो सिर्फ प्लाजो के साथ पेयर कर सकते हो या सिर्फ पैंट के साथ पेयर कर सकते हो, दुपट्टा लेना नहीं लेना ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैंने बस एक आइडिया दे दिया कि इस तरीके से ये बहुत अच्छी लगती है। सो आपको कैसी लगी आप कॉमेंट में ज़रूर से बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई और अब मैं आगे ये कुर्ता बहुत ज़्यादा पहनने वाली हूँ। ओके, सो नेक्स्ट जो है गाइज, ये एक श्रग काइंड ऑफ कुर्ता है, ठीक है। इस पे आपको फ्रंट पे डोरी मिल रही है एंड जो इनर लाइनिंग जो अंदर को मैंने पहना है, वो मेरा एक बीच कलर का टॉप बहुत पुराना था तो मैंने उसे डाल दिया और सेम स्कर्ट के साथ मैंने इसे पेयर करा है। बस इस पे जो हील्स है, फुटवेयर है, वो मैंने सेम न्यूड कलर का डाल दिया है। सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा ये पहनने पे। आप इस पे देखोगे ना, छोटा छोटा सा मिरर वर्क करा हुआ है एंड उस पे धागा का भी काम करा हुआ है, तो ये चीज़ बहुत प्यारी लग रही है। एंड कॉटन मटेरियल है, पहनने पे बहुत कंफर्टेबल है और स्टाइलिश तो इतनी लग रही है ये कि मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद देख सकते हो। आप इसे प्लाजो के साथ भी पेयर कर सकते हो, उसमें भी ब्यूटीफुल लगेगी, बट थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए मैंने इसे स्कर्ट के साथ पेयर करा है। और ये स्कर्ट तो मतलब जिस पे भी मैं पेयर कर रही हूँ ना, बहुत बढ़िया लग रही है, इंडो वेस्टर्न लुक आपको दे रही है। आप चाहो तो एक इस पे स्टॉल इस बीच कलर का डाल सकते हो या ऐसे भी वेयर कर सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। और जो अंदर इनर लाइनिंग मैंने पहनी है, वो मैंने बहुत पहले लिया था कहीं से, तो उसका लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी, पर न्यूड कलर के साथ आप स्टाइल कर सकते हो। सो आपको ये लुक कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना। एंड इस पे भी मेरा साइज मीडियम है। माय लास्ट आइटम इन दिस कुर्ता शरारा एंड दुपट्टा। सो ये दुपट्टा जो है गाइस, ये मुझे किसी ने गिफ्ट करा था, तो इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी। आप चाहो तो प्लेन ब्लैक दुपट्टा भी वेयर कर सकते हो या गोल्डन भी वेयर कर सकते हो। सो ये भी अलग अलग मैंने लिया है, कुर्ता अलग से लिया है, शरारा अलग से लिया है, दोनों इंडिया ब्रांड से है। और कुर्ता का साइज मीडियम है, इस पर आपको राउंड नेक मिल रही है, शॉर्ट स्लीव्स मिल रही है, इनर लाइनिंग के साथ है एंड मिरर वर्क करा हुआ है फ्रंट पे पूरे कुर्ते पे, बैक पे भी करा हुआ है। एंड इसका जो मटेरियल है वो सिल्क काइंड ऑफ मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल मैं नहीं कहूंगी, बट पहनने पे इतना भी अनकंफर्ट नहीं है। शरारा आ रही है पूरी जॉर्जेट मटेरियल के साथ, बहुत बढ़िया सॉफ्ट फ्लोई शरारा है, फॉल प्रिंट्स बनी हुई है एंड इंडिया ब्रांड की फॉल प्रिंट्स वैसे भी खराब नहीं होती है, मैं बहुत ज्यादा यूज कर चुकी हूँ। एंड शरारा पे मेरा साइज मीडियम है, परफेक्ट साइज हुई है मुझे, लेंथ भी काफी अच्छी हुई है, मेरी हाइट 5'4" है एंड आप लेंथ देख सकते हो कि कितनी आ रही है। सो ब्लैक अगर आपको पसंद है, आप ब्लैक पहनना पसंद करते हो, तो कोई भी वेडिंग पार्टी या फिर ईद के लिए तो ये सेट तो परफेक्ट है, आप आराम से इसे बाय कर सकते हो। इसे भी मैं हाईली रेकमेंड करूंगी। शरारा भी इनर लाइनिंग के साथ है और कुर्ती भी इनर लाइनिंग के साथ है, दुपट्टा बस मैं लिंक नहीं दे पाऊंगी, बट अगर ऐसा कुछ सिमिलर मिलता है तो मैं पक्का आपको लिंक दे दूंगी। सो ये लुक आपको कैसी लगी आप कॉमेंट में ज़रूर से बताना, मुझे बहुत पसंद आई। और अभी जब मैं शूट कर रही हूँ गाइस, तो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं थोड़ी आपको लो लग रही होंगी यहाँ पे मेरी फेस वगैरह, बट अगर आप मतलब अच्छे से, अगर मैं फुल मूड में रहती हूँ, तैयार होती, तो ये कुर्ती सेट मुझे मुझ पर और अच्छी लगती, क्योंकि मैं मेरी जो फेस है वो बहुत उतरी हुई है तबीयत खराब की वजह से, और इसलिए ये मत सोचना कि ये नहीं अच्छी लग रही है, रियल में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बस कैमरे पे नहीं आ पाई है। सो बस यही है आज का हॉल वीडियो, कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर से बताना, पसंद आई तो लाइक कर देना गाइस, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट फिर से धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय गाइज़।